अभी हम ना रेलवे स्टेशन वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, साथ साथ मामा और मुस्कान भी चल रहे हैं, और हमारे साथ प्रथम भी है। वो घर पे भूल गया था टिकट पास में ही, अगर तो लेने गया टिकट फिर वापस आएगा। वैसे भी मैं मेरा इंट्रो करना भूल गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं मुंबई। अभी ट्रेन 9 बजे है, सीधा हम मुंबई पहुंचेंगे 4 बजे। हम ऐसे मुंबई एक्सप्लोर करने, घूमने, मजा करने जा रहे हैं मुंबई, और क्या। तो और एक बात, मैं कभी गया नहीं मुंबई घूमने के लिए, कि बोलते मैं हैदराबाद में ही रहता हूँ, मैं कभी महाराष्ट्र ज्यादा घूमा नहीं। मेन मुंबई सिटी है तो मुंबई सिटी में कभी गया ना, तो ये मेरी पहली बार है जाना, तो मैं भी अच्छा से देख लूंगा पहली बार से। सो गाइस, फाइनली वॉकिंग करते करते पहुंच गए औरंगाबाद स्टेशन। बेचारा हाय हाय, रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचे तो कितना भीड़ है यार सही में। तो गाइस, हमारा ट्रेन आने वाला है प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। तो अभी हम खड़े D8 में, तो हमारा डब्बा D8 है। तो कितने लोग है मुंबई जाने के लिए सफर में, देखिए आप। बाप रे, मुझे लग रहा है हमारी वाट लगने वाली है। तो मामा, हम सबके लिए लस्सी लेके आए, मस्त ठंडा ठंडा लस्सी है। इतनी भीड़ में घुसना बोलते बहुत मुश्किल है भैया, आपको इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाना बोलते बहुत मुश्किल है भैया, कैसे जाना अंदर, इतना भीड़ है यहाँ पे। चलो इस तरफ छोड़ के उस तरह आगे चलेंगे। चलो यहाँ पे खाली है, ज्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे, चलो फिर। तो गाइस, फाइनली हम सीट मिल गए हमारे इतनी भीड़ में। हाई बोल, कितनी बार हाई बोलेगा यार, पहले भी बोल दिया हाई, तो ऐसे बोले तो बोल देगा क्या? ठीक है भाई, सॉरी। हाँ, तो मेरे साथ ये भी है, ये दो वहाँ बैठ के बैठे हुए उनके सीट में, तो बाजू में अंकल भी बैठे हैं, जरा कैसे भी लग रहा। फाइनल है, हमारी ट्रेन निकल चुकी है स्टेशन में। गाइस, सफर में बैठे बैठे एकदम बोरिंग फील हो रहा है, क्या कर सकते हैं। अपना गाना सुन रहा है, इधर मुड़, हाँ इधर है, ये भी लगा ले, तो अपना मस्त एंजॉय कर रहा है। इन लोग अपना बैठे हुए, ट्रेन के सफर में बोर होगा बोलकर मेरे को मालूम था, तो मैं साथ में ना मेंटॉस लेके आया चबाने के लिए, टाइम पास करने के लिए। आएगा? अरे पट्टा खाएगा, पक्का खाएगा ये। गाइस, मैं अभी ये मेंटॉस का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। कुछ भी टॉपिक नहीं है करने के लिए, मैं कुछ भी बोर हो गया, तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा, आप देखिए। ये मेंटॉस मिंट, आइए मेंटॉस। अभी हम पहुंच गए CST रेलवे स्टेशन मुंबई। ये तीनों वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नहीं मालूम। अभी तो हम रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए, अभी कहाँ जाने का प्लान है अभी मेरे कुछ भी नहीं मालूम। जो मालूम मेरे सब मेरे मामा को मालूम, हमारे कुछ भी आइडिया नहीं है। जो मामा कहाँ कहाँ जाएंगे, हम वहाँ वहाँ आएंगे। अरे मेरे लिए तो रुको, तुम ऐसे भाग लेते चले गए तो कैसा। तो गाइस, अभी हम रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए। आप पीछे का व्यू देखिए गाइस, एकदम मस्त लग रहा है। तो कितना मस्त व्यू आ रहा गाइस। जो यहाँ पे मुंबई के लोग रहते हैं उनके लिए बहुत कॉमन है, हम जो नए नए जो टूरिस्ट लोग आते हैं ना जो मुंबई घूमने, उनके लिए तो बात ही अलग है यार सही में। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए सोडा पीने, अभी मुंबई का सोडा टेस्ट करेंगे कैसे रहता, जूस देखेंगे अभी। तो गाइस, सोडा के लिए पूरा बॉटल थमा दी है, इसमें सोडा है, ग्लास में डालना और पीना, एकदम अलग ही है यार। हैदराबाद में ऐसा कुछ भी नहीं है, मुंबई पूरा हाँ एकदम अलग ही है। तो गाइस, अभी सोडा पी के तो हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो हम यहाँ से वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं। कार वाला हॉर्न बोलकर हॉर्न बजा रहा है यार सही में यार। सडन से प्लान चेंज हो गया, अभी हम टैक्सी में बैठने वाले हैं, वॉकिंग करने वाले तो नहीं जा रहे। तो अभी हम वॉकिंग करने का प्लान तो कैंसिल हो गया, तो अभी हम वैन में बैठ के सीधा जाएंगे, और क्या। गाइस, फाइनली हम टैक्सी से उतर गए हैं, यहाँ सीधा रोड से गेटवे ऑफ इंडिया है। बहुत एक्साइटेड यार देखने के लिए सही में, मजा आएगा मेरे को देखने में। तो गाइस, ये है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, कितना खूबसूरत लग रहा है यार, मजा आ गया देखकर। यहाँ पे ताज होटल मेन होटल, कितने सारे फोटोग्राफर्स है फोटो लेने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का। वो हर एक पर्सन आके मेरे को बोल रहा फोटो होना भैया। मैंने बोला नहीं होना भैया, बोले तो भी फोटो होना भैया पूछ रहे यार। तो गाइस, गेटवे ऑफ इंडिया का बैक साइड का व्यू देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कितने सारे बोट्स हैं यहाँ पे, और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। जाने का मन है लेकिन हम नहीं जा सक रहे, कि बोलते किसी और जगह भी जाना है। तो गाइस, अभी गेटवे ऑफ इंडिया घूम के तो हो गया, अभी हम जा रहे हैं मरीन लाइन देखने के लिए, यहाँ से बहुत नजदीक है, क्यों बोलते हैं यहाँ से समुंदर भी है तो वो नजदीक ही होगा। तो अभी हम वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए, फिर से वॉकिंग करते हुए नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं वैन में बैठ के। गाइस, फाइनली हम टैक्सी से उतर गए, तो अभी हम पहुंच गए मरीन ड्राइव। कितना अच्छा सनलाइट का व्यू देखिए गाइस, एकदम मस्त लग रहा है।
देखेंगे वो तो, उसमें क्या है सनसेट तो देखेंगे। गाइस ये है मरीन ड्राइव, एकदम बड़ा सा समुंदर है और आगे जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अभी छोटे दिख रहे हैं, लेकिन नज़दीक है तो बहुत बड़े बिल्डिंग्स है यहाँ पे। पर यहाँ पे सनसेट देखे एकदम मस्त लग रहा है, यहाँ पे समुंदर के व्यू देखे एकदम मस्त लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, एकदम समुंदर का सेम है, बाले उड़ गए मेरे पूरे सेम यार, ये देख के मुझे बहुत मजा आया। मरीन ड्राइव देख के तो हो गया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं चर्च गेट स्टेशन, वहाँ से हम ट्रेन पकड़ के अंदर ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा होटल बुक है, तो अभी वहाँ चेक इन करेंगे। चलो पहले तो अपन अभी वॉकिंग करते करते चर्च गेट स्टेशन चलेंगे पहले। तो गाइस अभी हम पहुंच गए गन्ने के जूस के बंडी में, तो अभी बहुत प्यास लग रही थी घूम घूम के, हम लोगों को वॉकिंग कर करके बहुत थक गए थे, तो हमें बहुत प्यास लगी थी, इसलिए हमने गन्ने का जूस ऑर्डर किया है। मस्त है गाइस गन्ने का जूस, मजा आ गया। अभी हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, तो हम मामा टिकट ले रहे हैं, तो वैसे भी हम लोकल ट्रेन में सफर करने वाले हैं, क्यों बोलते अंदर ही तो जाना है, बहुत नजदीक है, इसलिए तो लोकल ट्रेन पकड़ना पड़ता है। तो गाइस फाइनली हमने ट्रेन आ गई है, लोकल ट्रेन। अभी हम ट्रेन में बैठ गए, तो यहाँ से अंदर ही 27 किलोमीटर दूर है, अभी अपन सफर करते करते धक्के मारते मारते जाएंगे। तो गाइस अभी हम अंधेरी स्टेशन पहुंच गए हैं, तो अभी हमें एग्जिट करने के लिए ईस्ट जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी स्टेशन के बाहर आ गए, अभी हम ओला बुक कर रहे हैं होटल जाने के लिए, तो अपना ओला कैब आ गया है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए होटल में, होटल का नाम है आर्मर रेसिडेंसी। तो गाइस अभी मैं हमारे रूम में आ गया, एकदम सुबह से ट्रैवलिंग करके करके एकदम थक गया हमें, तो एकदम मस्त बेड है। वैसे भी अभी बहुत थक गया हमें, अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मेरे को अभी डिसाइड नहीं है, जहाँ रेस्टोरेंट मिला हुआ चल जाएंगे, अभी देखना है क्या है। गाइस अभी हम पहुंच गए साकी दरबार, थोड़ा ढाबा टाइप है, इसे तो मेरे साथ प्रथम और मुस्कान आए हैं, अभी खाना कब आएगा अभी वेट करेंगे। मैं हमने स्टार्टर्स भी मंगा लिया है, डिनर भी मंगा लिया, दोनों एक साथ मंगा लिया है, अभी वेट करेंगे कब आएगा फोन। यहाँ पे होटल का बैकग्राउंड कितना अच्छा है, देखिए यहाँ पे कितना अच्छे अच्छे पेंटिंग्स है यहाँ पे, और सेम है मुझे यहाँ का होटल अच्छा लगा। गाइस पहले हमारा आ गया मसाला पापड़, तो इसमें बहुत सारे टमाटे प्याज और बहुत सारे है खाने के लिए, इसको टेस्ट करके बोलूंगा कैसा है। बस है भाई, ताकी दरबार में खाना खाने के बाद इतना दिल खुश हो गया मेरा, सही में पेट भर गया, मस्त खाना था, क्वालिटी भी एक नंबर थी। आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए, अगर आपको पता है तो, आप मुंबई में रहते हो तो मस्त है गाइस। तो गाइस फाइनली हम रूम में आ गए। हेलो 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 गाइस, और क्या बोलोगे? कुछ नहीं, आज खाना खा लिया हमने, बहुत टेस्टी खाना था। पहले औरंगाबाद से ट्रैवल करके मुंबई आए थे, मुंबई से हम कहाँ गए थे स्टार्टिंग में? सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया गए थे, तो सेकंड प्लेस अपन वहाँ का गए थे, मरीन ड्राइव गए थे, तीसरी में हम सीधा होटल आ गए थे, तीसरी में हम चर्च गेट गए थे, बट चर्च गेट इतना कुछ दिखाने लायक था नहीं, तो इसलिए फिर हम लोग लोकल पकड़ के अंधेरी ईस्ट आ गए। तो अभी हम होटल में आ गए, वैसे भी आपका आगे का मालूम है, हम खाना खा के आ गए, तो फिर आज के लिए इतना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक टू माई चैनल, तो जब तक के लिए बाय बाय।